वेलकम टू टूअर क्लासेस। टूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए सुपर 25 पार्ट 16 लेकर के आया हूं। और जो हम आज पेपर सॉल्व करने वाले हैं 16 अगस्त 2017 का शिफ्ट 1 है। फ्रेंड्स, हमने पेपर सॉल्व किए थे वो थे 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त के। इन मतलब 5 डेज में हमने 3/5 of 15 टोटल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज 16 पेपर है और 16 अगस्त 2017 का है, यानी कि 12 अगस्त के बाद 13, 14, 15 इनमें कोई पेपर नहीं हुआ था, 16 को फिर से पेपर हुआ था। तो 16 अगस्त 2017 का शिफ्ट 1 पेपर हमें आज सॉल्व करना है। तो आइए हम क्लोज टेस्ट से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सारे वन बाय वन सारे शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें PQRS, नॉरेशंस, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, ऑल टाइप के क्वेश्चन होंगे। और जैसा पेपर आपका पैटर्न आता है एग्जाम में, वैसे ही पैटर्न के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आइए फ्रेंड्स इन्हें देखते हैं हम, है ना। तो उसके पहले मैं बता दूं आपको कि आपको सिंगल रीडिंग करनी पड़ेगी क्लोज टेस्ट की। तो क्लोज टेस्ट की हम सिंगल रीडिंग करते हैं पहले, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन मींस, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन मींस राष्ट्रीय अखंडता मींस का मतलब है, मतलब क्या है अब उभरना है आपको। ऑल द पीपल ऑफ नेशन मतलब कहने का राष्ट्र के सारे लोग, ऑल द पीपल सारे लोग, ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र के, इनटू अ सिंगल होल मतलब कहने का एक एकमात्र रूप में, मतलब कहने का कि राष्ट्रीय अखंडता का मतलब है देश के सारे लोगों को अ सिंगल होल एक रूप में कन्वर्ट कर देना। क्या करना है वो आपको पहले में भरना है, ठीक है। इट इज अ, ये है, क्या है, डैश, ये एक ऐसी चीज़ है दैट बेंड्स टुगेदर, जो कि बेंड्स टुगेदर ऑल पीपल सभी लोगों को पिरो देता है या बांध देता है, टुगेदर ऑल पीपल सभी लोगों को, इन वन एक किस में, बॉन्ड बंधन में, नो मैटर नहीं मायने रखता व्हाट देयर रिलीजन कि उनका धर्म क्या है, कास्ट उनकी जाति क्या है, लैंग्वेज उनकी भाषा क्या है और हिस्ट्री में भी या उनका इतिहास क्या है, बिना उनकी धर्म जाति भाषा और इतिहास को ध्यान में रखे ये सभी को एक अब किस में बांध देता है वो आपको थर्ड लिखना है, ठीक है। इट इज़ अ, यह है एक सीमेंटिंग फोर्स मतलब जोड़ने वाला बल, वेयर बाई जहाँ पर ऑल काइंड ऑफ पीपल हर प्रकार के लोग लीव मतलब निवास करते हैं, और कैसे वो आपको भरना है, पीसफुली शांतिपूर्वक, एंड कैन आइडेंटिफाई देमसेल्फ और अपने आप को पाते हैं एज ए पार्ट एक भाग के रूप में, एज ए पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल एक फ्रेज होता है, एज ए पार्ट एंड पार्सल मतलब एज एन एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट थिंग, और अपने आप को एक महत्वपूर्ण चीज़ के रूप में जानते हैं, ऑफ अ नेशन मतलब राष्ट्र की, अपने आप को राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स था इसका मीनिंग जो कि आपने समझा, और मीनिंग में आपने देखा कि कैसे हमें मतलब सिंपल वन रीडिंग करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके वन बाय वन सारे ऑप्शंस फिलअप करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सूटेबल है उस हिसाब से, और हम अपने करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करेंगे यहाँ पर। तो आइए फ्रेंड्स पहले अब करेक्ट ऑप्शन का हम चुनाव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स भरना। अब पहला वाला हम भरते हैं। तो पहला भरने के लिए हमें फर्स्ट यहाँ तक फिर पढ़ना पड़ेगा, नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स राष्ट्रीय अखंडता का अर्थ है डैश ऑल द पीपल ऑफ नेशन इनटू अ सिंगल होल मतलब राष्ट्र के समस्त लोगों को एक सिंगल होल एकमात्र कड़ी में क्या करना, सेग्रीगेट अलग अलग कर देना पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है कंबाइन कर देना जोड़ देना, तीसरा रेजाइडिंग निवास करने देना, एंड कंप्लाइंग मतलब होता है पालन करने देना। तो सभी राष्ट्र के सभी लोगों को एक निश्चित कड़ी में अलग अलग करना हो नहीं सकता, रिजाइड करना निवास करना हो नहीं सकता, कंप्लाई मतलब पालन करने कोई सेंस नहीं है, कंबाइन मतलब जोड़ देना। तो कहने का राष्ट्र के समस्त लोगों को एक ही कड़ी में जोड़ देना, अ सिंगल होल एक कंप्लीट वन पॉइंट पे जोड़ देना, ये क्या कहलाता है, जोड़ना कंबाइनिंग। तो यही हमारा राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता क्या होती है मतलब अलग अलग जो लोग रहते हैं उनको मिला जुला करके इस तरह ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाना जिसमें सब लोग हंसी खुशी और मिलजुल करके रहें, वो हमारा क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन होता है। तो नेशनल इंटीग्रेशन मींस कंबाइनिंग, तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है पहले वाले में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड वाले में अब ये आपने देख लिया, नेशनल इंटीग्रेशन मींस कंबाइनिंग ऑल द पीपल ऑफ नेशन इनटू अ सिंगल होल, ठीक है। ये राष्ट्रीय अखंडता शब्द से ही हमें कंबाइन का सेंस मिल गया।
इट इज अ, ये क्या है, डैश बेंड्स दैट बेंड्स टुगेदर ऑल पीपल इन वन बॉन्ड, मतलब जो सभी लोगों को एक ही बॉन्ड में बांध देता है, वो क्या है, इसेंशल्स हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, फाइनेंसेस मतलब आर्थिक चीज़ें हैं, रिसोर्सेज मतलब स्रोत हैं, सेंटिमेंट मतलब क्या होता है, भावना है। तो आप बताइए, इट इज़ अ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज तो प्लूरल है, यहाँ पर आर्टिकल ए भी आया है, इसेंशल्स भी नहीं होगा, फाइनेंसेस भी नहीं होगा, सेंटिमेंट, सेंटिमेंट अनकाउंटेबल है, और इट इज़ अ सेंटिमेंट दैट बेंड्स, मतलब एक विशेष प्रकार का सेंटिमेंट है जो कि, तो यहाँ आर्टिकल ए इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ काउंटेबल सेंस में यूज़ हो रहा है, तो एकता का सेंटिमेंट, कैसा सेंटिमेंट, जो कि लोगों को एकजुट रखने वाला, तो इट इज़ अ सेंटिमेंट, एक प्रकार की भावना है, दैट बेंड्स टुगेदर, जो कि मतलब बांध करके रखती है ऑल पीपल, सारे लोगों को इन वन, अब कैसे में, तो आपको भरना है, तो यहाँ पर इट इज़ अ सेंटिमेंट, और पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट भी है, क्योंकि अनकाउंटेबल जरूर है सेंटिमेंट भावना, लेकिन यहाँ काउंटेबल सेंस में यूज़ हुआ है, तो अकाउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है, तो इसलिए आपका दूसरा पहला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बाकी सब में देखिए एस लगा हुआ है, तो इन सभी का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो पहले से प्रूव, तो आर्टिकल ए बेकार नहीं हो जाएगा, तो आपको दूसरे में पहला ऑप्शन इसलिए चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और सेंटीमेंट्स यहाँ पर भी ठीक है कि ये इट इज़ अ सेंटीमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन एक प्रकार का सेंटीमेंट है, ना ये रिसोर्स है, ना तो ये फाइनेंस है, ना ये इसेंशियल्स है, ठीक है। तो दूसरे में आपको बनना पड़ेगा सेंटीमेंट्स, मतलब कहने का इट इज़ अ सेंटीमेंट, एक ऐसी प्रकार की भावना है जो लोगों को बांध के रखती है इन वन, अब वन क्या, वन बॉन्ड, एक ऐसे बंधन में, ए वन रियल बॉन्ड वास्तविक बंधन में, कॉमन मतलब एक दो सभी में जो कॉमन है ऐसे बंधन में, नॉमिनल नाम मात्र के बंधन में, ये सिमिलर समान प्रकार के बंधन में, व्हाट देयर रिलीजन, तो रिलीजन उनका अलग अलग हो, कास्ट अलग अलग हो, लैंग्वेज अलग अलग हो, उनकी हिस्ट्री भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनको ऑल पीपल इन वन कॉमन, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी कॉमन होती है, तो इसीलिए कहा गया है कि दैट बेंड्स टुगेदर ऑल पीपल इन वन कॉमन बॉन्ड, एक कॉमन बैंड बॉन्ड में उनको बांध के रखती है, तो ये बॉन्ड कॉमन बॉन्ड होता क्या है, ये कॉमन बैंड होता है नेशनैलिटी का, उनके अंदर कास्ट अलग हो सकती है, रिलीजन अलग हो सकता है, लैंग्वेज भी अलग हो सकती है, और हिस्ट्री भी अलग हो सकती है, बट उनका जो कॉमन चीज़ होगी वो नेशनैलिटी होगी, तो यहाँ कॉमन की बात आएगी, ना कि सिमिलर की, नॉमिनल, रियल, इन तीनों में से कुछ नहीं होगा, तो आपका सेकंड कॉमन ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड का ऑप्शन कौन था, थर्ड का आपने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया, तो दैट बेंड्स टू ऑल पीपल इन वन कॉमन बॉन्ड, एक समान, एक कॉमन बॉन्ड में सबको बांटती है, चाहे उनका धर्म, जाति, भाषा और इतिहास कुछ भी रहा हो। इट इज़ अ डैश सीमेंटिंग फोर्स, ये कैसा जोड़ने वाला फोर्स है, वेयर बाई ऑल काइंड ऑफ पीपल, जहाँ पर हर प्रकार के लोग लीव रहते हैं शांतिपूर्वक। इट इज़ अ वीकनिंग, बिल्कुल कमज़ोर से, राष्ट्रीय अखंडता कमज़ोर नहीं होता, ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक भी नहीं होता, राष्ट्रीय अखंडता आपको मेंटेन करनी पड़ती, कितने देशों में राष्ट्रीय अखंडता मेंटेन नहीं है, सेटल्ड स्थापित है ना, या स्ट्रांग, तो सेटल की अपेक्षा स्ट्रांग आपका ज़्यादा अच्छा है। राष्ट्रीय अखंडता जो है ये स्ट्रांग सीमेंटिंग फोर्स, एक बहुत ही जोड़ने वाली, मजबूत जोड़ने वाली कड़ी है, वेयर बाय, जहाँ पर ऑल काइंड ऑफ पीपल, सभी प्रकार के लोग लीव, निवास करते हैं, कैसे, सेपरेटली, अलग अलग निवास करते हैं, सेपरेटली करेंगे तो राष्ट्रीय अखंडता की बात गलत हो जाएगी, है ना, तो पहला ऑप्शन आपका इसलिए कट जाएगा, है ना। अब जॉइंटली, जुड़ करके निवास करते हैं, या हैप्पीली मतलब खुशी से निवास करते हैं, या टुगेदर साथ साथ निवास करते हैं, है ना, तो मतलब कहने का कि एक ऐसा सीमेंटिंग फोर्स है जहाँ पर ऑल काइंड ऑफ पीपल, हर प्रकार के लोग लीव रहते हैं, कैसे, मतलब टुगेदर रहते हैं, या फिर आपको हैप्पीली खुशी रहते, खुशी तो पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक रहते हैं, तो शांतिपूर्वक खुशी खुशी रहते हैं, हैप्पीली पीसफुली, तो दो एडवर्ब आप लिखोगे अगर तो गलत हो जाएगा, हैप्पीली अगर आप भरते हो, हैप्पीली कैसे रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं और पीसफुली रहते हैं, तो दोनों आप एडवर्ब वन बाय वन नहीं लिख सकते हैं ना, तो इसलिए आपको थर्ड ऑप्शन काटना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा टुगेदर साथ साथ रहते हैं, मतलब कहने का जहाँ पर हर प्रत्येक व्यक्ति क्या रहता है, ऑल काइंड ऑफ पीपल, हर प्रकार के लोग लीव मतलब रहते हैं, कैसे, टुगेदर साथ साथ, पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक, एंड कैन आइडेंटिफाई देमसेल्फ, और अपने आप को पा सकते हैं एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेशन, देश के महत्वपूर्ण एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट एंड पार्सल ऑफ समथिंग मतलब क्या होता है, इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, तो ये एसएससी में आया हुआ है, इसको आप अलग से इंडिविजुअली देखेंगे, ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के रूप में राष्ट्र की, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया क्लोज टेस्ट, और आई होप आपको क्लोज टेस्ट ईजी था, कोई बहुत बड़ा इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ट्रिक लगानी थी, तो बहुत ही नॉर्मल सा PQRS था। अब हम वन बाय वन शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आइए फ्रेंड्स शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन जो पहला है वो आपका स्पॉटिंग एरर दिया है, तो आइए पढ़ते हैं स्पॉटिंग एरर। आई एम वेक्स्ड एट हिम
फॉर व्हाट ऑल ही हैज डन फॉर हिम टिल डेट, मतलब आई एम विक्स्ड, वैक्स मतलब नाराज होता है, आई एम विक्स्ड एट हिम मतलब मैं उससे नाराज हूँ, फॉर व्हाट जिस चीज़ के लिए, फॉर व्हाट ऑल ही हैज डन जो भी उसने किया है, फॉर हिम उसके लिए, टिल डेट मतलब उस दिन उस तारीख तक उसने जो भी कुछ भी किया उसके लिए मैं उससे बहुत नाराज हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि नाराज के लिए जो एंग्री होता है, एनॉय होता है, इसके प्रीपोजिशन जब कोई व्यक्ति जुड़ता है तो इनके लिए विथ आता है, ना कि आपका ऐड आता है। डिक्शनरी में विथ और ऐड दोनों दिया है, लेकिन एसएससी हमारा हमेशा विथ के लिए एरर देता रहा है, विथ का ही इम्प्रूवमेंट कराता रहा है। आपको मार्क्स चाहिए तो आपको विथ ही चलना है और विथ से ही जाना है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात कि प्रैक्टिकल यूज़ में कौन सा, तो प्रैक्टिकल यूज़ में विथ आपका ज़्यादा आता है ऐड की अपेक्षा, ठीक है। तो आपका ऐड मेंशन जरूर है डिक्शनरी में, बट आपको विथ लेना है, आई एम वेस्ट विथ हिम मैं उनसे नाराज हूँ, एंग्री विथ समबडी, एनॉय विथ समबडी, है ना, तो या फिर आपका वेस्ट विथ समबडी। तो जितने भी नाराज के होते हैं उनके ज़्यादातर भी पोजिशन जो होते हैं वो विथ होते हैं, आपको इस हिसाब से याद करना है। तो आपका एरर का पार्ट पहला ही पार्ट बन जाएगा, ऐड की जगह विथ होगा, मतलब कहने का कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। 7 नंबर पे आप देखेंगे द मैनेजर वार्न्ड हिज टीम, मैनेजर ने अपनी टीम को चेतावनी दी दैट कि इफ दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड, अगर वे परसिस्ट इन जिद करते हैं या बने रहते कर जारी रखते हैं देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड अपना बाध्यकारी रवैया, दे वुड बी पनिश, तो उन्हें क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, मतलब उसे उन्हें दंडित किया जाएगा, ऐसा मैनेजर ने चेतावनी दी। तो मैं आपको बताऊं कि शुरू सेंटेंस किस चीज़ से है, शुरू है आपका पास्ट इंडेफिनिट से, मैनेजर ने चेतावनी दी कि अगर जारी रखते हैं तो उन्हें क्या पनिश किया जाएगा। यहाँ पर वुड भी है तो वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आगे आने पहले इसके पहले इफ वाला सेंटेंस क्या होगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा कि नहीं होगा, लेकिन दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड, तो परसिस्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी, तो इफ दे परसिस्टेड इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड, तो यहाँ वुड भी है, यहाँ पर वुड है, तो यहाँ पर परसिस्टेड होगा, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। अगर यहाँ वुड हैव होता, वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता, लेकिन यहाँ पर अब वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर परसिस्टेड करना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। और एक रीज़न ये भी है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब मैनेजर वांड हिज टीम मेंबर्स, फिर दैट कंजंक्शन एंड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो नॉरेशन वाला भी रूल लग जाता है कि बाकी जो आने वाले सेंटेंस होंगे, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के जितने सेंटेंस होंगे वो सभी पास्ट में होंगे, अगर कोई मतलब कहने का सार्वभौमिक सत्य बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं दिया हुआ है तब, तो 100% जो रिपोर्टेड स्पीच होता है रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने पर रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होता है। तो आपको इस बेसिस पर भी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन एयर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है टोटली करेक्ट होगा, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में आपके एयर है। आगे हम देखते हैं और कैसे क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। 8 नंबर आप देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स है, बोथ टैसिटर्न एंड डैश डेनियल सेल्डन स्पोक एंड नेवर स्पेंट मनी, कम बोलने वाला है और क्या गुण होने के साथ, डेनियल जो है वो कम बोलता है और कभी भी, तो ये कम बोलने पहले आया उसके बाद फिर कह रहा है कि पैसा नहीं खर्च करता, मतलब कंजूस है, ठीक है। तो कम बोलने के लिए इन्होंने टैसिटर्न डाल दिया, अब अगला वर्ड सीधी सी बात है कि पैसा ना खर्च करने कंजूस के लिए आएगा, तो वारी मतलब चिंतित हो गया आपका, है ना, और चीप मतलब घटिया टाइप का किस्म का, या फिर आप सस्ता कह सकते हो, माइजरली मतलब बड़ी गरीबी के साथ रहने वाला, है ना, बहुत ही ज़्यादा कंजूस टाइप का, डिस्क्रीट होता है विशेष, तो आपका माइजरली यहाँ पे बनेगा। जैसे टैसिटर्न आया है सेल्डम स्पीक ना बोलने के लिए का, या कम बोलने के लिए टैसिटर्न आता है, इसी तरह नेवर स्पेंट या कम स्पेंट करने के लिए माइजरली आता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका टोटली करेक्ट बनेगा। तो ऐसा आपको लॉजिक भी लगाना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, कि क्या पूछ रहा है और क्या हिंट दे रखी है। ही वॉज टू डैश टू मेक अ स्टेटमेंट बिफोर बॉस, वो इतना ज़्यादा वो था कि बॉस के सामने, जब टू वाला सेंटेंस होता है तो अगले वाले सेंटेंस को नॉट के साथ पढ़ते हैं, है ना, कि वो इतना ज़्यादा क्या था कि मेक अ स्टेटमेंट बिफोर द बॉस, अपने बॉस के सामने स्टेटमेंट भी नहीं कर रख सका, तर्क भी नहीं दे सका, ये आखिर इतना ज़्यादा वो क्या था, शर्मिंदा था, टायर्ड थका हुआ था, कॉवर्ड मतलब डरपोक था, टिमिड माने शर्मिंदा और डरपोक था, मीन्स कहने का, देखिए टिमिड का एक जब इंग्लिश साइनोनिम आप जाएंगे इंग्लिश साइनोनिम में तो इसका मीन्स होता है, टिमिड मीन्स होता है शाई, और एक मीनिंग होता है नॉट वेरी नर्वस, सॉरी, है ना, तो इसमें शाई का सेंस तो होता ही है, बहुत ज़्यादा नर्वस होने का और डरपोक होने का भी सेंस होता है, तो टिमिड आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगा, यहाँ तो सिर्फ शाई है ना, ये काफ़ी हद तक सही है। तो ही वाज टू इतना ज़्यादा शर्मिंदा था कि वो बॉस के सामने स्टेटमेंट भी नहीं रख सका, लेकिन शाई से भी अच्छा जवाब दिया है
मतलब शाई एंड वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस भी, तो आपको थर्ड ऑप्शन लेना है, फर्स्ट को छोड़ देना है, मीन्स कहने का इसलिए क्योंकि आपको बेस्ट एक्सप्रेस बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, इसलिए आप यहाँ पर टिमिड लेंगे। तो नाइन्थ हो गया आपका। टेंथ आप देखेंगे, सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द के सिमिलर मीनिंग वाला आपको शब्द चूज करना है। रीइटरेट मतलब होता है पुनः व्याख्या करना, पुनः जोड़ देना, पुनः एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब्यूज मतलब होता है गाली देना या शोषण करना, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज हो गया, तो बाल शोषण हो गया, है ना, तो इस तरह का आपका अब्यूज शोषण के लिए आता है। अब्यूज में गाली देना तो होता ही है। प्रिटेंड मतलब बहाना करना होता है, ठीक है, नकल करना, बहाना करना। डिटेस्ट मतलब डिसलाइक होता है, ठीक है। रिपीट मतलब होता है दोहराना, तो रीइटरेट पुनः कहना या दोहराना। तो फोर्थ का साइनोन, ये इस वर्ड रीइटरेट का साइनोनिम जो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा। आप 11 पे आएंगे, 11 पे है निनकमपूप। निनकमपूप का मींस होता है अ स्टूपिड पर्सन, एक मूर्ख व्यक्ति। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही आपका साइनोनिम होगा। वाइज माने बुद्धिमान, लवर प्रेमी, कंपेनियन मतलब साथी हो गया। तो ये आपने देखे कुछ क्वेश्चंस, और अब हम और आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा 12 नंबर के क्वेश्चंस में आइए हम स्टार्ट करते हैं 12 नंबर से। सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन, दिए हुए शब्द के अपोजिट मीनिंग वाला आपको शब्द निकालना है। वर्ड क्या दिया है, वर्ड दिया है एडामेंट, एडामेंट मतलब घमंडी, ठीक है, घमंडी टाइप का सेंस रखने वाला। तो रिजिड मतलब कठोर, फ्लेक्सिबल मतलब कहने का कि जो कि नरम हो थोड़ा सा, और फिक्स्ड मतलब बिल्कुल फिक्स, और रिजिड टाइप का अनशेकेबल, जिसे हिलाया ना जा सके, मतलब वो भी रिजिड है। ये तीनों साइनोनिम है, एक तो इस बेसिस पे तीनों कट जाएंगे, और घमंडी से अच्छा थोड़ा नरम दिल वाला, तो फ्लेक्सिबल होता है, तो ये काफ़ी हद तक अपोजिट है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। प्यूलिसिड क्या होता है, प्यूलिसिड होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी मतलब बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर जिसे हम कहते हैं, कुछ भी ना हो, धुंधला, सब कुछ साफ हो, इसका अपोजिट हो जाता है धुंधला। धुंधले के लिए आपका वर्ड आता है थर्ड ऑप्शन में मर्की, ये इसका मतलब क्या होता है, धुंधला होता है। और पेलुसिड मतलब होता है क्लियर, आप लुसिड को इस तरह याद कर सकते हैं, LUCID क्या होता है, लुसिड, लुसिड मतलब होता है फ्रैंक, ऑनेस्ट, है ना, या साफ सुथरा, क्लियर आप कह सकते हो। तो लुसिड का जो मीनिंग होता है वही पेलुसिड होता है, वेरी क्लियर, है ना, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा, या फिर पारदर्शी आप कह सकते हो, ट्रांसपेरेंट, वो पेलुसिड होता है। तो सर इसका अपोजिट बन जाएगा मर्की। टॉर्पिड होता है लिथार्जिक, ठीक है, तो टॉर्पिड आपका नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया SSC ने, हो सकता है 2018 के CGL के प्री क्वेश्चन प्री के पेपर में, या 2018 के CPO के पेपर में, या फिर 2018 के जो अभी CGL का पेपर मेंस होगा उसमें आ जाए वर्ड्स। तो प्लीज़ इनको आप ध्यान रखिए, नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जब भी SSC जब भी नए वर्ड इंट्रोड्यूस करता है तो वो उसका टारगेट होता है कि उसके एक दो साल के बाद वो उन वर्ड्स को डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछता। तो यहाँ इन्होंने ऑप्शन में दिया है 100% ये क्वेश्चन में बनने वाले हैं, ठीक है। तो टॉर्पिड मतलब होता है लिथार्जिक मतलब आलसी, और लिम्पिड भी जो होता है वो पेलुसिड का साइनोनिम होता है, क्लियर, स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट, और ये एक्सप्लिसिट मतलब भी स्पष्ट होता है, ठीक है। तो ये तीनों, ये दोनों आपके साइनोनिम हैं ये पेलुसिड के, टॉर्पिड मतलब लिथार्जिक होता है आलसी, और मर्की मतलब जो है वो अपोजिट है, जो कि करेक्ट ऑप्शन भी बनेगा इसका। 14 नंबर पर देखेंगे, टू रैंगल ओवर एश शेडो, एश शेडो होता है गधे की छाया, आप सिंपल मीनिंग निकालेंगे जब, रैंगल मतलब होता है लड़ाई करना, गधे की छाया के लिए, गधे की परछाई के लिए अगर कोई लड़ाई करे तो क्या करेगा, क्वारल ओवर ट्रिफल्स मतलब मामूली छोटी छोटी बातों पर ट्रेवल करेगा, है ना, एक तो गधा, गधे की फिर छाया, तो गधे की परछाई की आगे क्या वैल्यू होगी, है ना, पहले गधे की कितनी वैल्यू हो जाती है, गधा है, गधा है, ऐसे बोलते हैं। तो रैंगल ओवर एस शेडो, है ना, तो गधे की परछाई पर अगर आप कोई लड़ाई करते हो तो आप समझ लो कि कितनी बेवकूफ़ी वाली काम करते हो। और टू क्वारल ओवर ट्रिफल्स मतलब मामूली चीज़ों पर लड़ाई झगड़ा करना। तो ये 14 हो गया, अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। तो आइए 14 नंबर के क्वेश्चंस के बाद हम आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर में भी आपका एक है, अब इसको भी हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। मेक वंस फ्लैश क्रीप, अब मेक वंस फ्लैश, किसी के फ्लैश मतलब मांस को क्रीप माने रंगाना, मतलब बहुत कष्ट देना, है ना, बहुत ज़्यादा डराना उसे, तो टू फ्राइटन समवन, किसी को डराना, इस तरह आप थोड़ा सा मीनिंग अपनी भाषा में निकालिए, थोड़ा सा मज़ा भी आता है पढ़ने में, और मज़े के साथ साथ आपको याद भी होते हैं वर्ड्स, है ना, कुछ किसी को ऐसे तुक्के सेट हो जाते हैं कि आप बिल्कुल पहचान ही लोगे देखते। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो ये भी नया है आपका, इसको भी आपको ध्यान देना है, पिछला वाला रिपीटेड है लेकिन इतना ज़्यादा रिपीट शायद एक ही बार आया है SSC में, तो वो भी पढ़ने लायक है, हो सकता है वो भी 2018 के CGL या CPO में रिपीट हो जाए, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स CPO की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी आप बताइए, जो आप लोग देख रहे हो, और बताइए कि बहुत अच्छे से मतलब फुल एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं,
है ना, और इसका पूरा बेनिफिट लीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत तो हो ही रही है। अगर हमारी मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप इसे अच्छे तरह से इसका मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे। एक बार देखिए, दो बार देखिए, चार बार देखिए, जितनी बार आपको मतलब लगे कि हाँ इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है देख करके, आप उतनी बार उसे देखिए, क्योंकि बार बार रिपीट करने से ही फ़ायदा होता है। एक बार तो कोई भी पढ़ लेता है कि इतनी सारी बुक्स हैं, है ना, लेकिन रिपीटिशन सब नहीं कर पाते, सबकी बस की बात ही नहीं होती है। 60 नंबर पे हम देखेंगे, फादर वुड हैव बीन अप्रिसिएटेड योर एफर्ट्स इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी। इफ़ वाला सेंटेंस हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, इफ़ के बाद वाला सेंटेंस किसका है, यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर आपने मुझे बताया होता तो फादर ने आपके प्रयासों की क्या प्रशंसा की होती, पिता ने। तो यू हैड इन्फॉर्म्ड, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो आगे वाला सेंटेंस वुड हैव होगा, तो फादर वुड हैव, ये तो सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और ये तो वुड हैव बीन अप्रिसिएटेड, पिता प्रशंसा की गई होती यू एफर्ट्स, तुम्हारे प्रयास, तो ये गलत है, क्योंकि आपको पैसिव नहीं चाहिए, आपको एक्टिव चाहिए। पिता प्रशंसा का काम कौन करता है, फादर करता है ना, किस पे करता है, ऑब्जेक्ट पे करता है। जब ऐसा सेंटेंस होता है, जब आपकी वर्ब डायरेक्ट वर्क कर रही है, सब्जेक्ट खुद वर्क कर रहा है वर्ब पर, वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट पे, तो आपको सीधे से एक्टिव कंस्ट्रक्शन लेना है। तो फादर वुड हैव अप्रिसिएटेड योर एफर्ट्स, पिता ने आपकी प्रयासों की मतलब प्रशंसा की होती इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड हिम, अगर आपने उन्हें इन्फॉर्म किया होता, तो वुड हैव अप्रिसिएटेड आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ना कि जो दिया हुआ है। नो इम्प्रूवमेंट से नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ बीन लगा हुआ है, हमें बीन की पैसिव की आवश्यकता नहीं, हमें एक्टिव कंस्ट्रक्शन लेना है। तो ये था आपका 16 नंबर क्वेश्चन। आइए हम 16 के बाद आप जाते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर में एक और इम्प्रूवमेंट है, आप उसे भी कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। नेहा वाज सरप्राइज्ड बाय हर रिजल्ट, नेहा अपने रिजल्ट से सरप्राइज हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। मैं आपको बता दूं कि डिक्शनरी में आपको बाय प्रीपोजिशन भी मिलेगा सरप्राइज का, और सरप्राइज का एट प्रीपोजिशन भी मिलेगा, लेकिन जब बाय और एट की दोनों की बात आती है, तो एट इज ग्रेटर और बेस्ट एक्सप्रेस, मतलब कहने का ज़्यादा अच्छा होता है, बेटर देन सरप्राइज्ड बाय। ठीक है, तो बाय को हटाना है आपको ऐट लेने के लिए, इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब और ज़्यादा सुधार किया हो सकता है, तो सही तो ये भी है, लेकिन सुधार करना है अगर आपको और अच्छा, तो आप थर्ड ऑप्शन चूज़ करिए, सरप्राइज्ड ऐट ज़्यादा अच्छा है, सरप्राइज बाय कम अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको नोटिस करना है, एक विकल्प सरप्राइज बाय ऐट वाला मिले, एक बाय वाला मिले, तो आप ऐट को चूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपका बेस्ट ऑप्शन बनता है। स्टडी ऑफ ट्यूमर्स क्या होता है, मतलब कहने का ट्यूमर्स की अगर हम स्टडी करें, तो वो होता है आपका ऑन्कोलॉजी, कैंसर विज्ञान, कैंसर का अध्ययन, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स वो आपका कैंसर विज्ञान होता है, ऑन्कोलॉजी। ऑइनोलॉजी होता है आपका शराब का अध्ययन, स्टडी ऑफ वाइन्स। ठीक है, फ्रेनोलॉजी होता है मस्तिष्क विज्ञान। ठीक है, यूपोलॉजी इसका कोई सेंस नहीं होता है, आपको अगर मिल जाए गूगल पे आप खोज लीजिए, लेकिन मुझे तो नहीं मिला, इसका कोई मतलब नहीं होता। यूरोलॉजी होता है और उसका कोई अलग सेंस होता है, यूपोलॉजी नहीं होता, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, आप पढ़ लीजिए। 19 नंबर देखेंगे, द हाइएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी, और ये होता है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि आपका सबसे ऊंची जो भी द हाइएस्ट पॉइंट के लिए जो वन वर्ड आता है वो आता है जेनिथ। ठीक है, और मैं बता दूं कि जेनिथ का अपोजिट भी पूछा है एसएससी ने वन वर्ड एंटोनिम सिनोनिम्स में, जिसका अपोजिट होता है नादिर, NADIR। ठीक है, जेनिथ का अपोजिट नादिर होता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आप करें तो हाइएस्ट पॉइंट होता है जेनिथ। ठीक है, टेम्पेस्ट मतलब होता है प्रेजेंट, है ना, आर्काइव होता है कलेक्शन ऑफ मतलब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ऐतिहासिक दस्तावेज होता है एक प्रकार का आर्काइव। ठीक है, आउटपुस्ट होता है बाहरी चौकी। ठीक है, तो जैसे बाहरी छावनी वगैरह उस तरह डाल नहीं देते, तो बाहरी चौकी फोर्स वगैरह में, तो आउटपोस्ट कहलाता है वो। ठीक है, तो ये हो गया, अब हम 19 के बाद 20, 21 एंड सो ऑन करते हैं, जिसमें हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा जिसका मतलब कहने का प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले PQRS भी होंगे। ठीक है, वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं इनको। तो 20 में स्पेलिंग करेक्शन है, बहुत ही छोटे छोटे, आइए बिल्कुल स्पेलिंग करेक्शन भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो 20 नंबर पे फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो लिटरेरी स्पेलिंग टोटली करेक्ट है, आप देख लीजिए ध्यान से। लीकेज की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि यहाँ ई ए नहीं होता है, सिर्फ ए होता है, LEAKAGE, ई ए नहीं होता, सिर्फ ए होता है, ई आपका एक्स्ट्रा है, आपको जो ई है ये काटना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी सब करेक्ट है, लॉडेबल प्रशंसनीय है ना, लोफर, ये सब सही है। आपको 21 देखना है, 21 में इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको खोजना है, इनास्थेटिक, ये पहली ही ऑप्शन की स्पेलिंग जो है गलत है, इनास्थेटिक होता है ब्यूटीफुल से, ब्यूटी से रिलेटेड, तो NAE होता है, ANAE, ना कि सिर्फ AS,
एन ए ई एस, ठीक है, एक बार ई भी आएगा, तो यहाँ पर जो है आपका ई भी भरा जाएगा। बाकी ऑब्लिट्रेट मतलब विनाश है ना, कॉन्करेंस सहमति, ब्लीज सब मतलब खुशी है ना, या उन्माद, इस सेंस में ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। बस ये पहला ऑप्शन जो है इसी की स्पेलिंग गलत है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका लीकेज ऑप्शन, ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट था। हम 22 पे आते हैं, वन शुड कीप वंस वर्ड, एक व्यक्ति को अपना वादा पूरा करना चाहिए। मैंने बताया था वर्ड आपको, जो वर्ड जब सिंगुलर होता है ना, तो ये क्या प्रॉमिस का भी इसका मतलब होता है, तो वन शुड कीप, एक व्यक्ति को अपने शब्द रखने चाहिए, मतलब क्या है अपना वादा पूरा करना चाहिए, एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो अ वर्ड शुड बी केप्ट, आप इसका भी वन हटा दो, इसका भी वन हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो वर्ड, अ वर्ड शुड बी केप्ट, है ना, किसके द्वारा, वन की कोई लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और यहाँ पर भी वन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ वर्ड शुड बी केप्ट, शुड बी कीपिंग वंस वर्ड हैज बीन, हैज क्या आ गया, शुड बी, एस लगा दिया, बताइए वन की जगह एस लगा दिया, और वन लगाने की जो आवश्यकता होती नहीं, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, बस हो गया, इस हिसाब से आपको कर लेना है, बाकी कोई भी सही नहीं है, है ना। अब हम आगे आते हैं 23 पर, 24, 25, नंबर में आपका पी क्यू आर एस, तो आप स्टार्ट करते हैं, फिर अब हम, आप तैयार हैं पी क्यू आर एस सॉल्व करने के लिए। पी क्यू आर एस सॉल्व करने का सिंपल वे है, पी क्यू आर एस, सॉरी एस और आर, है ना, और लास्ट किससे है, एस से, आर से, क्यू से, मतलब स्टार्ट किसी से भी हो सकता है, खत्म होगा एस से, आर से, क्यू से, मतलब पी से खत्म नहीं होगा। तो पी को पहले पढ़ ही लो आप, यट, फिर भी, मेकिंग लोन्स टू पुअर, पुअर लोगों के लिए लोन देना, इज हार्डली ए पॉवर्टी क्योर, मतलब ए नॉट ए प्योर पॉवर्टी क्योर, ये कोई गरीबी का उपाय नहीं है, गरीबी को हटाने का उपाय, मतलब अगर हम गरीब लोगों को लोन दें तो ये गरीबी हटाने का उपाय नहीं है, ठीक है, ये इन्होंने दिया है। तो आप आर के साथ देखिए, पी के साथ कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, पी के साथ मतलब आपका आर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, पी के साथ आर का कॉम्बिनेशन, पी के साथ क्यू का, तो पी के साथ आर आप पढ़ लीजिए एक बार, है ना, आर भी पढ़ लीजिए। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो बहु बड़े स्तर की कॉरपोरेशन हैं, कंपनियां हैं, कुड टेक द टॉप 5 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो उच्च स्तर के सबसे आगे के जो सूक्ष्म माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं, टू द टेस्ट नेक्स्ट लेवल, उनको अगले लेवल तक ले जा सकता है, है ना, एंड द रिमाइंडर, और बाकी जो बचे हुए हैं, कुल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ले सकते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास की जिम्मेदारी, डेवलपमेंट ग्रुप्स एंड रीजनल बैंक्स, मतलब कहने का क्षेत्रीय बैंकों और डेवलपमेंट ग्रुप्स के विकास की जिम्मेदारी बाकी बचे हुए कॉरपोरेशन ले सकते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को टॉप से और अगले नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। लेकिन अब यहीं पर अगर आप पी की बात करें तो पी का इससे क्या संबंध है, लेकिन इन सारी चीज़ों से अगर हम सोचें कि माइक्रो फाइनेंस मतलब लोन से अगर हम देखें, तो लोन अगर हम गरीब लोगों को दें तो ये पॉवर्टी को दूर नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं आर के बाद पी का सेंस दे रहा है, तो पी के बाद आर है या आर के बाद पी, अगर इसे क्लियर करना है आप एस भी पढ़ लीजिए, है ना, एस लास्ट में होगा आपका, तो या नहीं तो आप एस में देखेंगे, पॉवर्टी राइट्स एंड द रोल ऑफ लॉ मैटर टू, और पॉवर्टी राइट्स आपके जो हो गए संपत्ति के अधिकार और रोल ऑफ लॉ और कानून का रोल जो योगदान है मैटर्स टू, ये भी बहुत मायने रखता है। तो देखिए, ना तो आपके लोन जो आपके हैं वो गरीबी को दूर कर सकते हैं, पॉवर्टी राइट वो कैसे हैं, और रोल ऑफ लॉ कानून का रोल क्या है वो भी मायने रखता है, तो कहीं ना कहीं पी से भी एस जुड़ रहा है, ठीक है। और कंफर्म करना है आप क्यू को देख लीजिए, क्यू को पढ़ेंगे तो क्यू एस से जुड़ेगा तो अगर पहला ऑप्शन हो जाएगा, और अगर क्यू आपका आर से जुड़ेगा तो आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, आप क्यू पढ़ लीजिए। सेगमेंटिंग द इंडस्ट्री, मतलब कहने का किसी भी उद्योग को अलग अलग बांट देना, तोड़ देना, माइट बी वर्थ, वो योग्य हो सकता है, व्हाई इफ इट अलाउज, यदि अनुमति देता है मोर ऑफ द पुअर, ज़्यादातर लोगों को टू गेट एक्सेस टू क्रेडिट, क्रेडिट मतलब साख, पैसे के पास आने की बहुत ज़्यादा इनको सुविधा देता है, अलाउ अनुमति करता है, तो किसी भी इंडस्ट्री को बड़े बड़े भागों में बांटना मतलब अलग अलग कर देना, ये क्या होगा, योग्य होगा, उचित होगा, है ना। और अब इन्होंने कहा है कि अलग अलग भागों में अगर बांट देते हैं तो जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो टॉप माइक्रो फाइनेंस की उसके डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, और जो बाकी हुए संगठन हैं, बाकी कॉरपोरेशन हैं, वो रिमाइंडर की, जब बांटने के बाद ही तो रिमाइंडर की बात करेंगे ना, मतलब क्यू पहले आएगा आर बाद में आएगा, तो क्यू के क्यू पहले आना चाहिए आर बाद में आना चाहिए, यहाँ पर आर पहले है क्यू बाद में, हम जब बांटोगे तभी तो रिमाइंडर बचे हुए और पहले की बात आएगी ना, कि टॉप में और बाकी बचे हुए की डेवलपमेंट इतना करेगा, तो क्यू को पहले आना चाहिए, तो इस बेसिस पर आपको क्यू पहले क्या होगा, ये आपका ऑप्शन सेकंड बन जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर क्यू पहले भी है, आर बाद में है, आर और पी का कॉम्बिनेशन भी समझ में आ रहा है और एस पी और एस से भी मैच कर रहा है, और यहाँ पर टू वर्ड भी ये इंडिकेट करता है कि एस लास्ट में आना चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपका सेंस देगा। तो इस हिसाब से आपको पी क्यू आर एस का लॉजिक लगाना है, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। अगर आपने इतनी सारी चीज़ें अगर कम टाइम पर नहीं देखी एग्जाम के टाइम में तो और नहीं समझ में आता, तो आपके लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण था इसमें ये वाला पी क्यू आर एस। ठीक है, हम 24 का पी क्यू आर एस देखते हैं, तो 24 के पी क्यू आर एस में ये जो लिखा है और तो उसमें हम पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि यह तो P से स्टार्ट है, या तो S से स्टार्ट है, या तो Q से स्टार्ट है, और या तो फिर आपका R से स्टार्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी इस ऐसे अलग अलग ऑप्शन से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस और ऑप्शन में दिए रहते हैं, तो या तो हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा, और या तो इतना कठिन हो जाएगा कि जानलेवा टाइप का हो जाता है, मतलब कि मुश्किल हो जाता है उसे समझना। आप देखेंगे यहाँ पे पी आर एस क्यू कौन सा पहले होगा, बट द सिनेरियो हैज़ क्वाइट चेंज, लेकिन सिनेरियो स्थिति जो है पूरी चेंज हो चुकी थी, तो सीधा बट से कैसे सेंटेंस शुरू हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। पी इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में बजट टुवार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स के प्रति जो बजट है इज हाइयर, वो ज़्यादा है देन कंपेयर टू अदर्स, अन्य की अपेक्षा, तो ये हो सकता है। चलो इंडिया अर्ली ईयर्स, भारत अपने शुरुआती वर्षों में गेव मोर इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा महत्व दी उसने टू डेवलपमेंट, मतलब विकास को, ऑफ द इंडस्ट्री मतलब उद्योगों के, एंड लेस इंपॉर्टेंस टू द अदर डिपार्टमेंट, और अन्य डिपार्टमेंट को कम महत्व दिया, तो आपका आर भी हो सकता है, और एस दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है बिकॉज क्योंकि, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि दिस से भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पी से एस से नहीं स्टार्ट हो सकता, मतलब पहले दूसरे ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है, आप आपके बचे क्यू से या आर से, तो क्यू से स्टार्ट होगा तो एस होगा, तो क्यू से आपने पढ़ा पिछले 10 सालों में जो बजट है डेवलपमेंट का मिलिट्री फोर्स का वो हायर हो गया है, ज़्यादा हो गया है कंपेयर टू अदर्स, अन्य की अपेक्षा, और इन्होंने अगर एस में रीज़न दिया होगा तो क्यू के बाद एस होगा। पढ़िए आगे, तो एस में क्या है कि दिस इज बिकार, ऐसा इसलिए हुआ है ऑफ द फ्राइटिंग, डर के कारण इंक्रीज इन टेररिज्म, क्योंकि आतंकवाद में बढ़ोतरी हुई है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, विश्व के चारों ओर, स्पेशली इमर्जिंग आफ्टर द 9/11 टेरर अटैक इन यूएस, अमेरिका में 9/11 का जो है टेरर अटैक, आतंकी हमला हुआ था, इसी कारण से आतंकवाद भी बढ़ा है, और इसी के चलते ये मिलिट्री में जो आपका बजट बढ़ाया गया है, रीज़न यही है। तो क्यू का ऐसा ही एक्सप्लेनेशन इसमें आ रहा है, और एक ही सेंटेंस है जिसमें क्यू के बाद ऐसा आपको ये दिया भी है जो स्टार्टिंग में, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे आपको पी क्यू आर एस करना है। अब जल्दी से हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आई थिंक नॉरेशन होगा, और उसको करने के बाद हम यहीं से अपनी वीडियो को एंड करते हैं। 25 नंबर, द ओल्ड मैन सेड, जो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, थैंक्स आई शैल नेवर फॉरगेट दिस काइंडनेस, धन्यवाद मैं आपकी इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। अंकित जी, अंकित का नाम भी लिया, ठीक है, तो अंकित को आपको यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। द ओल्ड मैन आस्क्ड अंकित, या और क्या होगा, तो ओल्ड मैन अप्लॉडेड अंकित, ये सही हो सकता है। चलो प्रशंसा की है ना, या फिर प्रशंसा वैसे की नहीं थी, उसने किया था क्या, धन्यवाद किया था, है ना। एंड द ओल्ड मैन थैंक्ड अंकित, यहाँ पर धन्यवाद किया, चलो ठीक है, ये सही है। वाज बींग थैंक्ड, ये गलत हो जाएगा, इतना बड़ा सेंटेंस इस तरह पैसिव यहाँ नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ओल्ड मैन सेड थैंक यू टू अंकित, ये कंस्ट्रक्शन ही गलत है, ठीक है, इस हिसाब से सेड थैंक यू टू अंकित तो ये उतना अच्छा नहीं है जितने कि ये हैं। तो ओल्ड मैन थैंक्ड अंकित एंड एश्योर्ड हिम, और उसे भरोसा दिलाया दैट ही वुड नेवर फॉरगेट हिज काइंडनेस, कि वो उनकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलेगा, दयालुता को। तो यही सी था, ही आई शैल, आई का किससे फर्स्ट पर्सन ओल्ड मैन से कन्वर्ट होगा तो ही आ जाएगा, और शैल का क्या हो जाएगा, विड शुड या वुड होगा, तो आपका क्या है, शैल का इसमें ही के साथ वुड कर दिया, तो सही भी है ना। यहाँ पर शैल का शैली किया है, जब आपका पास्ट इंडेफिनिट है पहला रिपोर्टिंग वर्ब, तो आगे वाला भी सेंटेंस पास्ट में कन्वर्ट होगा, तो ही वुड होगा विल का, है ना, विल या शैल का, वुड या शुड होगा, ना कि आपका शैली बना रहेगा, तो इस बेसिस पर ये गलत हो जाएगा आपका, और ये जो है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपने आज के 25 क्वेश्चंस देखे, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और कोई सजेशन है, कोई आपको लगता है कि ऐसा बताने पर और अच्छा हो सकता है, तो प्लीज़ उस सजेशंस को भी हमारे पास पहुंचाइए, अगर वो नीडेड होगा तो हम उस पर जरूर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसमें कुछ नए क्लोज टेस्ट, कुछ नए टॉपिक्स रहेंगे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। हमें